तो शांति ले लो। एनपीएस को बंद करो, एनपीएस को बंद करो। ये जन विरोधी सरकार है, हर वर्ग का विरोधी सरकार है और कर्मचारी विरोधी सरकार है, बार बार इस सरकार ने दिखाया है। और ये असंवेदनशील सरकार भी है, ये बातचीत करके कोई हल निकालने की तरफ नहीं जाती। बैठो, बातचीत करो और पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से बैठ के बातचीत करो। जिस तरीके से कर्मचारियों का तिरस्कार करने के लिए बैठते हैं इनके मंत्री बातचीत में, वो भी सामने आए सारी बातें, उनकी मांगों को उनकी बातों को दरकिनार करने के लिए बैठते हैं बिल्कुल, तो बातचीत से भी हल कैसे निकलेगा। जब तक आप ये समझ के ना बैठो कि इनकी बात आप सुन समझो और कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालो कि उनके जो समस्या है, जो बातें हैं, उनका समाधान निकले, तब तक ये इसका क्या हल निकलेगा। तो जोर जबरदस्ती करने से काम नहीं चलता। बड़ा दुर्भाग्य है प्रदेश का कि ऐसी सरकार है जो बिल्कुल जिसने हमारे प्रदेश को आंदोलन प्रदेश बना दिया, हमारे प्रदेश को हड़ताल प्रदेश बना दिया। 5 साल लगातार कर्मचारी से किसान तक, किसान से गरीब तक, गरीब से महिलाओं तक, नौजवान तक सड़कों पे आंदोलन और हड़तालों पे रहे, जिसका बड़ा नुकसान हुआ प्रदेश को। अभी भी हम मांग करते हैं कि सरकार कर्मचारियों के साथ बैठ के सुलझाए मामले को। जिस तरह से मुकदमे बन रहे हैं, जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं कर्मचारियों पे, वो उस बात को कि हम निंदा करते हैं बहुत बहुत, और उस सरकार की जो असंवेदनशील कार्यशैली है उसका वो प्रतीक है। ऐसा घमंड, ऐसी असंवेदनशील कार्यशैली आने वाले समय में लोग वोट की चोट से इसका बदला लेंगे। कल एक जनसभा थी, वित्त मंत्री ने और कृषि मंत्री ने लगातार आपको यानी हुड्डा सरकार को निशाने पर लिया है। जाट आरक्षण की बात जो है 2016 में हुई थी उसको फिर से उठा, क्या बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बनाकर बुलाने की? भाजपा की एक ही नीति, काम की बात छोड़ो और भाईचारा तोड़ो, ये इन मूल मंत्र पे चल रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये अपना काम बताएं, ये विकास के बाद कोई बात बताए, उपलब्धियां बताए, मगर इनके पास कुछ बताने को नहीं है। तो इसलिए काम की बात छोड़ो और भाईचारा तोड़ो। सच पूरे प्रदेश और देश के सामने है। इन्होंने जाट आरक्षण के बाद स्वयं प्रकाश सिंह कमेटी गठित की थी, पूरे देश में सबसे ईमानदार अफसर को लेकर आए थे, जो इनकी समझ में जो इनके पक्ष का अफसर था उसको लेकर आए थे, किसी को भी नियुक्त कर सकते थे। उस अफसर ने पूरी जाट आरक्षण की पूरी विफलता के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर भाजपा नेताओं को ठहराया है। उस समय रथ यात्रा का जो फेज था वो हमने अनाउंस इसलिए नहीं किया क्योंकि किसान की फसल कटाई का और किसान को अपनी फसल बचाने के लिए उस बात की तरफ हमारा ध्यान था, पूरे प्रदेश का ध्यान था। अब दिवाली के तुरंत बाद हिसार में रथ यात्रा का 7वें चरण का अगला पड़ाव, हिसार से हम रथ यात्रा शुरू करेंगे। बरवाला हिसार में बरवाला के अंदर 18 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है, तो 18 नवंबर को चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की रथ यात्रा का पहिया अब हिसार में घूमेगा। ये मगर SYL की जहाँ तक बात है, SYL का ना बनने का सबसे बड़ा कारण ये है, जो समय पर SYL नहीं बन पाई वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये साबित होता है कि वो लोग हैं जिन्होंने राजीव लोंगोवाल फैसले का विरोध किया, उसी के आधार पर हरियाणा को अपना हक में हरियाणा का जजमेंट आई है। और कौन लोग? इनेलो ही। तो इनेलो ने उस समय विरोध किया, इसी वजह से SYL काम अटका। आज जो है मैं समझता हूँ कि ये बात स्पष्ट हो चुकी है, इनेलो को भी इस बात का पश्चाताप है। तो इस बात के पश्चाताप करने के लिए मैं समझता हूँ बारी बारी SYL की बात करते रहते हैं, क्योंकि उनको अंदर से पता है, उनको लग रहा है कि भाई हमारी गलतियों की वजह से हरियाणा के किसान को पीढ़ी दर पीढ़ी पानी का इतना नुकसान हो गया, तो कहीं ना कहीं उसका पश्चाताप वो लोग करना चाह रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। अगर टोटल ने अभी ये कहा कि कांग्रेस में बाजी है और उनके नेता एक मंच पर ही नहीं आ रहे हैं, तो वो तो सुनवाई कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि सही समय पर सभी कांग्रेसजन एकजुट दिखाई देंगे। कांग्रेस अपने विचारधारा से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर एकजुट है और कहीं हमारे मनभेद नहीं, सारे कांग्रेसजन कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं और सही समय पर एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी दिखाई दे। एक बात स्पष्ट हो गई प्रदेश में,